ये व्रत क्यों किया जाता है मालूम है? जितने दुनिया भर के व्रत हैं ना, वह औरों के लिए हैं, और अपने लिए तो केवल एक एकादशी का ही व्रत होता है। अच्छा एक बात बताओ बहनों, करवा चौथ व्रत करती हो? किसके लिए करती हो? तुम्हारे लिए तो नहीं है। अहोयाष्टमी का व्रत है, किसके लिए करती हो? बेटा के लिए करती हो? अपने लिए तो नहीं है। दुनिया भर में बहुत बहुत व्रत ऐसे हैं, अधिक से अधिक अधिकांश में व्रत अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए करते। आप कोई व्रत करो, साधना करो और भोले बाबा देखो, हे भगवान हमारे घर में धन आ जाए। तो धन किसके लिए मांग रहे हो तुम, अपने लिए या संतान के लिए? देखना, विचार करना। ऐसी मैं बहुत बातों का विचार, कमरे में भी विश्राम करता हूं ना, मैं विचार करता हूं, व्हाट्सएप कम चलाता हूं, फोन कम उठाता हूं, यही तो शिकायत होती है लोगों की, महाराज जी फोन नहीं उठाते। क्या करें फोन उठा करके? भागवत जी ही अपने आप में पूरा फोन है, परमात्मा से मिला देगी। तो एकादशी का व्रत ऐसा जो अपने लिए किया जाता है, और कहते हैं बहुत पवित्रता से रहना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पराए का किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए, और टोपी आदि भी मुख में नहीं जानी चाहिए, टोपी नहीं खानी चाहिए, और बहनों के लिए भी उस दिन लिपस्टिक आदि नहीं लगानी चाहिए, हाँ उसमें केमिकल होता है, वृक्ष की दांतों नहीं करनी चाहिए एकादशी में।